हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट मिंत्रा जीन्स हॉल। समर अप्रोप्रिएट है, वाइड लेग है, फ्लेयर्ड है, तो समर्स में काफ़ी इजी है इनको पहनना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जीन्स होने वाली है ये ब्लैक कलर की जीन्स। सो अब ब्लैक पे ये वाइट स्टिच वाला जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था। एंड इसमें जो कार्गो स्टाइल का था, यहाँ पे बड़ा सा पॉकेट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था। पर मैंने वो नहीं लिया, मैंने ये लिया जिसमें कि वेस्ट पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ये पूरी पूरी इलास्टिकेटेड वेस्ट आपको मिल जाती है एंड पूरा ओवरऑल स्टिच मिलता है आपको पॉकेट्स में। इस एरिया में पूरा इलास्टिकेशन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। ये पूरी हाई वेस्ट है, हाई राइज जीन्स है। एंड इस तरह से जिप है एंड या यहाँ तक भी पूरी वाइट स्टिच वाला पैटर्न है। एंड एंड इस तरह की है, वाइड लेग जीन्स है। सो दिस इज़ कसौली वुमेन स्टाइलिश ब्लैक हाई राइज वाइड लेग जीन्स। एंड इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ये डेनिम का ही फैब्रिक है। सो ये डेनिम का ही फैब्रिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल लगेगा नहीं आपने डेनिम पहना है, बिल्कुल ही परफेक्ट आया है। ये साइज़ है 28। दिस इज साइज 28 एंड इसमें इसमें आगे दो बड़ी पॉकेट्स हैं, पीछे भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है, फ़ोन आ जाएगा, कैश आ जाएगा। सो या लेंथ भी मुझे काफ़ी परफेक्ट आई है। वेस्ट से बिल्कुल ये मुझे अच्छे से हक कर रहा है बिकॉज इसमें इलास्टिक है, अदरवाइज मुझे लूज़ हो जाता है साइज 28 फ्रॉम वेस्ट एरिया, बिकॉज वेस्ट मेरा 25 और 26 है इस वजह से। तो अगर आपको भी ऐसा इश्यू होता है कि आपको जीन्स फिट आती पर वेस्ट फिट नहीं होता है, तो आप इलास्टिकेटेड जीन्स ले सकते हो जिसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट है, आजकल मिल जाएंगी आपको। ब्लैक कलर है तो ऑलमोस्ट सारे टॉप्स के साथ चल जाएगा। मैंने लिया था 749 रुपीज़ का एंड अभी भी वही प्राइस चल रहा है, अभी मैंने चेक किया है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली मस्ट बाय, बिल्कुल रिकमेंड करूँगी मैं इसको लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन। अब तक ये तो हम सभी जानते हैं कि सनस्क्रीन अप्लाई करना कितना ही ज़रूरी है, स्पेशली समर टाइम में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इतनी ज़्यादा कड़ी धूप होती है बाहर, तो ये हमारी स्किन को डैमेज करता है, हमारी स्किन को जल्दी एज करता है, सनबर्न हो जाता है, सन टैन हो जाती है हमें एंड हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सो हम सभी कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं सनस्क्रीन ड्यू टू इट्स हैवी फॉर्मूला, स्टिकी होता है, काफ़ी हैवी फीलिंग देता है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड आप इस वजह से सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आप सब बताने वाली हूँ एक सनस्क्रीन के बारे में आज, विच इज़ बाय शीक न्यूट्रिक्स। दिस इज़ देयर ब्लॉक लाइटवेट सनस्क्रीन विथ SPF 45 PA ट्रिपल प्लस। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, कोई हैवी फीलिंग नहीं है, बिल्कुल स्किन में मेल्ट हो जाता है जैसे आप अप्लाई करोगे एंड ब्यूटीफुल सा ग्लो भी देता है आपको। एक बहुत ही अच्छी बात इसकी है कि ये कोरियन सनस्क्रीन है, इट इज़ मेड इन कोरिया बट फॉर इंडियन स्किन्स एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहे हो, मैन वेमेन कोई भी स्किन टाइप हो, इसको अप्लाई कर सकते हो बिना, बस आपको सन से ही प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसमें नैसिनामाइड एंड एडेनोसिन है, जो नैसिनामाइड आप सभी जानते हो कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ डार्क स्पॉट से फाइट करता है, एक्ने को कंट्रोल करता है एंड एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल में लाता है। एंड एडेनोसिन में होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। इट हैज़ नो सल्फेट, पैराबेन एंड नो एनिमल टेस्टिंग। पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एंड क्वर्की है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है एंड ट्रेवल साइज़ है ये, 35 ml की क्वांटिटी है, आराम से आपके पर्स में, हैंडबैग में आ जाएगा एंड इसको आप प्री अप्लाई कर सकते हो एवरी 2 to 3 hours। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं एंड आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो विच इज़ राखी शीक 10, इससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो जल्दी जल्दी जाके आप
चेक कर सकते हो। एंड ये ऑल्सो अवेलेबल है ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। ये हमारी लाइट ब्लू जीन्स जो कि अगेन वाइड लेग है, फ्लेयर्ड है, इतना चौड़ा है, देख सकते हो। एंड ये है बाय द ब्रांड ड्रेसबेरी है, एंड अगेन साइज 28 है। और भी इसमें देखो डिटेल्स दी हुई रहती हैं। सो दिस इज 99% कॉटन एंड 1% स्पैंडेक्स है। और मुझे यहाँ हिप से लेके तो पूरा थाइस वगैरह से बिल्कुल फिट है, बट इसकी कमर ढीली है तो ये मुझे फिट कराना पड़ेगा। एंड ये है मिड राइज जीन्स, ये हाई वेस्ट नहीं है, बट वो भी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल ही रहती है। एंड ये ब्लैक वाले से थोड़ा सा हैवी मटेरियल है डेनिम का, तो ये थोड़ा सा हैवी मटेरियल है ब्लैक वाले से, बट स्टिल वेरी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा बस हैवी है। लेकिन इसकी यू नो वाइड लेग है, पूरा खुला खुला जीन्स है, तो गर्मी में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ड्रेसबेरी वुमेन ब्लू वाइड लेग जीन्स। सो इसका प्राइस अभी बढ़ चुका है, अराउंड 900 रुपये हो चुका है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ लिया था 471 रुपीज़ का, विच इज़ वेरी गुड। मतलब मिंत्रा पे जीन्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। अगर सेल वगैरह अभी 1 जून से आई थिंक सेल आने वाली है, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 500 रुपीज़ के अंदर में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इसको। लाइट ब्लू कलर है तो अगेन सारी टॉप्स पे चल जाता है मैक्सिमम, एंड साइज़ वगैरह सब में अवेलेबल ही होते हैं 26 से लेके 36 तक या 38 तक, तो वो आप चेक कर सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी। अच्छा, ये ग्रे कलर की हाई वेस्ट जीन्स, अगेन इसमें भी बहुत फ्लेयर है। सो ये अभी आपको देखने से पता नहीं चलेगा, मैं पहन के दिखाऊंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा यू नो घेर सिचुएशन है, काफ़ी ये लूज़ फिटिंग है, इसकी बैगी सॉर्ट ऑफ फिट है। सो या वाइड लेग है एंड ये ग्रे कलर है, हाई वेस्ट है, जिप इस तरह की है। और ये है बाय द ब्रांड टोक्यो, टॉक इज़ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड, 28 साइज है, ठीक है। प्लीज फोकस, कि टोक्यो टॉक इज 28 साइज, इसमें भी और डिटेल्स होगी। सो दिस इज 100% कॉटन, ये 100% कॉटन है, तो बिल्कुल भी गर्मी लगने वाली है। एंड इसका फैब्रिक ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा सा रफ डेनिम फैब्रिक है एंड ये थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक है डेनिम का, बस यही फ़र्क है, बाकी काफ़ी ज़्यादा फ्लोई लाइट वेट है, समर अप्रोप्रिएट है। ये भी अगेन सारी टॉप्स के साथ चल जाएगा, ग्रे कलर, लेंथ भी बिल्कुल ठीक ही आ रही है, बट आप देखोगे फिटिंग का इशू है वीडियो में जहाँ मैंने पहन के दिखाया है। ये वेस्ट से मुझे ढीला है, जो भी साइज़ है ये 28, अगर 26 लूँगी तो वो नीचे से फिट हो जाएगा हिप एंड थाइस की एरिया से, सो इसलिए 28 लिया है, तो इसको भी स्टिच करवाना पड़ेगा फ्रॉम कमर के साइड से, वेस्ट साइज से, बाकी बहुत ही अच्छा है। इसका प्राइस बताना भूल गई, ये था ओनली 445 रुपीज़ का, टोक्यो टॉक इज वुमेन ग्रे वाइड लेग हाई राइज हैवी फेड स्ट्रेचेबल जीन्स। सो ये था 445 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छा है मटेरियल क्वालिटी के हिसाब से। एंड हाँ, इसमें आप अपना ही साइज़ लेना, इसमें लिखा स्ट्रेचेबल, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। सो आपका जो साइज़ है ओरिजिनल वही आप दे सकते हो, बिकॉज वाइड लेग है तो टाइट वाइट का ज़्यादा इश्यू होगा नहीं। मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है इसीलिए स्वेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हाँ, इसके ये वाला भी स्ट्रेचेबल नहीं है बिल्कुल भी, जो सबसे पहले दिखाया था, एंड अगेन ये भी स्ट्रेचेबल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है ब्लू वाला। ओके, सो लास्ट है ये स्लाउची जीन्स, इसका काफ़ी ज़्यादा यू नो मॉम्स फिट काइंड ऑफ जीन्स है, यहाँ से नैरो है एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बैगी फिट है, फूला फूला यू नो वो वाला फिट है इसका। ये है बाय द ब्रांड रोडस्टर्स। ये साइज़ मैंने 26 मंगाया था, यानी काफ़ी टाइम हो गया इसको मंगाए हुए। देखोगे आप, मैंने यहाँ पे इसको स्टिचिंग भी करवा रखी है मम्मी से। इसका 26 साइज़ होने के बावजूद भी मुझे कमर ढीला आ गया,
तो इसमें साइज़ अप कर सकते हो आप, बिकॉज़ इसमें सॉरी साइज़ डाउन कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा खुला खुला है तो टाइट होने का सवाल नहीं है आई थिंक सो। तो इसको कमर से टाइट करवाना पड़ा, एंड ये बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट, मतलब ये सुपर हाई वेस्ट वाला है, एंड काफ़ी डिफरेंट है। इसमें पॉकेट्स इस तरह से हैं, एंड आगे दो पॉकेट्स हैं, एंड इस तरह की कुछ स्टिचिंग डिज़ाइन हो रखी है। एंड नीचे से थोड़ा सा मुझे लूज़ आता है, लेकिन इसको मैं फोल्ड करके पहन लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, बट फोल्ड करके ये आराम से आ जाता है। एंड ये सबसे ज़्यादा हैवी डेनिम फैब्रिक है इन चारों में से, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, तो गर्मी में थोड़ा सा इशू देता है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो अनकंफर्टेबल हो सकता है, अगर थोड़ा मॉडरेट मौसम है तो आप पहन सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा हैवी फील होता है। तो इसको मैंने बहुत टाइम हो गया आई थिंक पिछले साल मंगवाया था लास्ट में, दिसंबर या नवंबर के टाइम में। तो उस टाइम तो ये 650 रुपये का था, बट अभी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अराउंड 1200 रुपये हो गया है, या 1169 का हो चुका है। ये रोडस्टर वुमेन डीप नेवी ब्लू हाई राइज स्लाउची फिट स्ट्रेचेबल जीन्स। तो दाम इसका बढ़ चुका है, प्राइस हाई हो चुका है, बट अगेन अगर डिस्काउंट वगैरह आता है तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, जो लाइट ब्लू कलर वाला डेनिम है उसी की तरह स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम स्ट्रेचेबल है। सो इसमें आप साइज़ डाउन या अपने साइज़ का मंगवा सकते हो। अच्छा है, ये भी नेवी ब्लू कलर है। तो ये था मेरा मिंत्रा जीन्स हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपको इन सब में से सबसे अच्छी जीन्स कौन सी लगी, एंड इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक आउट। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।